धन्यवाद 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 देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम को महिमा देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप राज्यों का राज्य है, प्रभु के प्रभु है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज की सुबह के लिए आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज की सुबह के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप राज्यों का राजा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज जो जो इस प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवनों में चमत्कार हो जाए मेरे पिता। ये हर एक बीमारी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से दूर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक रोग मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से दूर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आजकल मेरे पिता परमेश्वर जो बुखार चल रहा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस बुखार से बचाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। बुखार से जो सिर दर्द होता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आपके नाम से मेरे पिता वो सारा सिर का दर्द चला जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आपके नाम से मेरे पिता उनका बदन दर्द होता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर चंगाई छुटकारे को मांगता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम से मेरे पिता इनके परिवार के हर एक जन को संभाल के रख मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इस महामारी से बचा के रख मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप भी कहें कहें कि प्रभु यीशु मसीह, अगर आपके परिवार में से किसी को भी बुखार हो गया है, और किसी किसी को इतना बुखार हो गया कि बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, और अगर तीन तीन दिन से बुखार हो रखा है, चार चार दिन से बुखार हो रखा है, तो आप कहें प्रभु यीशु मसीह का विनती करें, कहें प्रभु जी मेरे पति का बुखार उतार दो, और अगर पत्नी का है तो पति का है प्रभु जी, और मेरी पत्नी का बुखार उतार दो, और ईबीसी लिखी भी नमा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन सभी को बुखारों को उतार दो मेरे पिता, ये चंगे हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से चंगे हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और अगर आपको लगता है कि आप अगर आप बुखार से ग्रस्त हैं तो अपने सिरों पे हाथ रखें, अगर आप मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं तो अपने सिरों पे हाथ रखें। मैं प्रॉफिट सुमन दी प्रार्थना करूंगा आपके लिए, आप हर एक बीमार से चंगे होने वाले हैं, आप अपने सिरों पे हाथ रखें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर, शूल मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता ये बुखार जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक रोग मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनको छोड़ के जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक बीमारी इनके शरीर को छोड़ के जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये आजाद हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर बीमारियों से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये आजाद हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर तरह की बीमारियों से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक रोग से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आजाद हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और आपके नाम से मेरे पिता बल लाए, आपके नाम से सामर्थ्य है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने देवल हाथ को बढ़ा ले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये सारे बुखार की आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन शरीरों को छोड़ के निकल, ये सारी गंदी बीमारी इन शरीरों को छोड़ के निकल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप भी कहें कहें कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चंगी हो रही हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हो रहा हूँ। आप कहें अगर आपके बच्चे को बुखार हो रखा है तो अपने सिर पर हाथ रखें और कहें प्रभु यीशु मसीह मेरे बच्चे को चंगा कर दो, प्रभु यीशु मसीह मेरे बच्चे को चंगा कर दो, इसका बुखार उतर जाए, इसका बुखार उतर जाए। आप प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह से कि आज की सुबह मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज का दिन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, मेरा पति बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, मेरी पत्नी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, मेरे परिवार का हर एक जन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। अगर आपके पूरे परिवार में बुखार से आप ग्रस्त हैं, अगर आपका पूरा परिवार बीमारियों से ग्रस्त है, तो आप कहें प्रभु यीशु मसीह मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे, प्रभु यीशु मसीह मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे, प्रभु यीशु मसीह मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु सच में वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो महान परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप महान है मेरे पिता, हर एक रोग से इन्हें जात कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक रोग से इन्हें जात कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक रोग से इन्हें जात कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये चंगे हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये चंगे हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपके नाम से मेरे पिता जो उनकी सिरों का दर्द है मेरे पिता, ये निकल जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप अपने सिर पे हाथ रखें, आपके लिए प्रार्थना हो रही है, आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे सिर का दर्द निकले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे सिर का दर्द निकले। और अगर आपके कमरों में दर्द है तो आप कमर पे हाथ रखें और कहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी कमर का दर्द निकल जाए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप लोगों के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता आज की सुबह मेरे पिता इनके लिए प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये आजाद हो जाए मेरे पिता, ये बीमारी से आजाद हो जाए, ये कमर दर्द से आजाद हो जाए, ये सिर का दर्द से आजाद हो जाए, ये पूरे शरीर में इनके जहां जहां पे दर्द होता है वो सारे दर्द से आजाद हो जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी,
महान है मेरे पिता, आप राजो का राज्य है, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप भी मुंह खोलें और कहें प्रभु जी आज की सुबह के लिए आपका धन्यवाद, प्रभु जी आज की सुबह के लिए आपका धन्यवाद, और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आज सारा दिन मुझे संभाल के रखे मेरे पिता, सारा दिन मुझे संभाल के रखे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका नाम महान है मेरे पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को दया करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे पूरे परिवार को संभाल के रखो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक बीमारी से बचा के रखे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद दें, आपने मुंह को खोले और धन्यवाद देखा है, धन्यवाद 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 देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मैं इनके लिए चंगाई को मांगता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज की सुबह मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनका जीवनों में चंगाई आ जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, चंगाई आ जाए मेरे पिता। आप भी कहें कहें प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर, प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर, प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर, और आप प्रार्थना करते रहें कहीं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा करो, प्रभु जी मेरे परिवार का अगर आपके पास वो है नहीं है तो आप उनका नाम लें, उनके नाम लें और कहें कि प्रभु जी मेरे पति भी दया कर, मान लो रमेश कहें कि रमेश भी दया कर, मान लो कविता कहें प्रभु जी कविता भी दया करो, कविता चंगी हो जाए, अगर आपकी पत्नी का नाम है तो आप प्रार्थना करें कहें प्रभु जी हमें हर एक रोग से बचा कर रख मेरे पिता, हर एक बीमारी से बचा कर रख मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी बीमारी निकल रही है, आपकी बीमारियां निकल रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपकी बीमारी निकल रही है, वो आज की इस मीठी सुबह के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, और आपकी बीमारियां निकल रही हैं, आपकी बीमारियां निकल रही हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपकी बीमारियां निकल रही हैं, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, चंगाई देने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप महान है मेरे पिता, आप राज्यों का राज्य है, प्रभु के प्रभु है मेरे पिता, मेरे पूरे परिवार को संभाल के रखो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे पूरे परिवार को संभाल के रखो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक आने वाली मुसीबत से हमें बचा के रखो मेरे पिता, हर एक बीमारी से हमें बचा के रखो मेरे पिता परमेश्वर, आप आज की सुबह धन्यवाद दें कहें धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद दें, धन्यवाद अपने मुंह को खोले और धन्यवाद दें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज का दिन मेरे पिता परमेश्वर आपने हमें दिखाया है मेरे पिता, लाखों लोग आज का दिन देख पाए हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमें संभाल के रखे मेरे पिता, आप हमें संभाल के रखे मेरे पिता, आप हमें संभाल के रखे मेरे पिता, मेरे बच्चों को संभाल के रखे मेरे पिता, मेरे पूरे परिवार को संभाल के रखे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम को महिमा मिले मेरे पिता, आज की सुबह के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका नाम महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद 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 देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच्चे मेरे पिता हर एक समस्या से आप बचाने के सामर्थ्य रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने शद्रक मेशक अबेदनगो को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आग में से निकाला था मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज मैं विश्वास करता हूँ, आ कहें अगर कोई बहन हो तो कहें आज मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझे इस बीमारी से निकालने वाले हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस भयंकर बीमारी से मुझे निकालने वाली हैं, ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमारियां निकले, हर तरह का रोग निकले, हर तरह की बीमारियां निकले, हर तरह के रोग से आप आजाद हो जाएं प्रभु यीशु मसीह, जहाँ जहाँ जाते थे और लोगों को चंगाई देते थे, और आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह आपके घर में हैं, आप विश्वास करें कि आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह आपके घर में हैं, आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह आपके घर में हैं, विश्वास करें कि आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह आपके घर में है, वो प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस अर्थी को रोका और उसी घड़ी वो मुर्दा चंगा हो गया, आपके घर में अगर कोई ऐसे बीमार पड़ा हुआ है, मानचे भी बीमार पड़ा हुआ था, विश्वास करें उसको एक प्रार्थना सुनाएं और कहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठ चल फिर, एक बड़ी गवाही बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में आए, एक बड़ी गवाही बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में आए, यह प्रार्थना बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री द्वारा की जा रही है, अब विश्वास करें कि आप इसी घड़ी चंगे हो रहे हैं, अविश्वास करें आप इसी घड़ी चंगे हो रहे हैं, अविश्वास करें कि आप इसी घड़ी चंगे हो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है, और धन्यवाद दें, अपने दोनों हाथों को जोड़ें और धन्यवाद दें, अपने सिरों पे हाथ रखें और कहें प्रभु जी आपका धन्यवाद, फिर से अपने हाथों को जोड़ें और कहें प्रभु जी आपका धन्यवाद, धन्यवाद देता हूँ मेरे पति को चंगा करने के लिए, धन्यवाद देती हूँ मेरी माँ को चंगा करने के लिए, और पति तो कहें धन्यवाद देता हूँ मेरी पत्नी को चंगा करने के लिए, और फैमिली है तो कहें धन्यवाद देते हैं हम कि मेरे बच्चों को चंगा करने के लिए,
सच में वो महान परमेश्वर ने, वो राजाओं के राजा ने, वो प्रभुओं के प्रभु ने आपके जीवन में चमत्कार किया है। आज का दिन आप चंगाई को पा चुके हैं, आज के दिन आप चंगाई को पा चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप चंगाई को पा चुके हैं, क्योंकि वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु महान है, वो सर्वशक्तिमान है, उसका जैसा कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का आगे विनती करें, अपने हाथों को जोड़ें और कहें, प्रभु जी मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ, मेरी इस प्रार्थना को सुनो, मेरी इस दुहाई को सुनो, मेरे परिवार पे दया करो मेरे पिता, मेरे परिवार को संभाल के रख मेरे पिता, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं मेरे पिता। अगर मेरा बच्चा बीमार हो जाता है तो मैं रोने लग जाती हूँ, अगर मेरा पति बीमार हो जाता है तो मैं रोने लग जाती हूँ तो मैं क्या करूँ, अगर मेरी माँ भी बीमार हो जाती है तो मैं रोने लग जाती हूँ तो मैं क्या करूँ। मेरे खुदावन खुदा, मेरे इस दुहाई को सुन, मेरी इस पुकार को सुन, मेरी इस प्रार्थना को सुन मेरे पिता, और चंगाई को ढेल दे मेरे पिता। मैं रो रो के प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, मैं रो रो के प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, चंगाई को ढेल दो मेरे पिता। मैं तंग आ गई इस परेशानी से, मैं तंग आ गया हूँ इस परेशानी से, मैं तंग आ गया हूँ इस बीमारी से, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से मेरे पिता चंगाई आ जाए, चंगाई को दे दो मेरे पिता। मैं प्रार्थना करके थक गई हूँ मेरे पिता, मुझे चंगाई को ठेल दे मेरे पिता, मुझे चंगाई को दे दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम महान है मेरे पिता। मैं आपको धन्यवाद देता रहूँगा, मैं आपको धन्यवाद देती रहूँगी मेरे पिता। मेरे परिवार में चंगाई को ठेलने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, मुझे चंगा करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। आप महान है मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।